तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक्सेल में आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोग सीख गए हैं कि एक्सेल में नॉर्मल कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और किस बात का हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली होम टैब में स्टाइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, होम टैब में ये जो स्टाइल ग्रुप आपको दिख रहा है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसमें बेसिकली दो ऑप्शन है, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये दोनों जो ऑप्शन है, जैसे आप वर्ड में भी हमने स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि वर्ड में प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती हैं और हम अपनी खुद की भी स्टाइल वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। सेम यही चीज एक्सेल में भी लागू होती है। एक्सेल पे भी कई प्री डिफाइंड स्टाइल पहले से बनी बनाई होती हैं और हम अपने हिसाब से नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। ओके, और क्वेश्चन नीचे लिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गो टू द फोर्थ रो एंड इंसर्ट टू रो। आपको करना क्या है, फोर्थ रो पे जाना है, यानी कि यह है चौथी रो और यहाँ से आपको दो रो इंसर्ट करनी है। तो रो इंसर्ट करना हमने ऑलरेडी सीखा था, आज फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपको दो रो इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे दो रो ऐसे सिलेक्ट करनी होगी। माउस को यहाँ पे फोर्थ पे रखिएगा और दो रो सिलेक्ट कर लीजिएगा और राइट क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इंसर्ट पे। तो आप देखेंगे आपके जो टेबल है उसमें दो रो इंसर्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नाउ टाइप द बिलो मेंशन टेक्स्ट। अब आपको वो जो दो रो हमने इंसर्ट कराई उसमें ये टेक्स्ट लिखना है। तो फिलहाल मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस डेटा को यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर्सर रख के हम कर देंगे पेस्ट। तो ये डेटा यहाँ पे दोनों पेस्ट हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसर्ट रो एवं फर्स्ट रो एंड अप्लाई मार्जिन सेंटर एंड टाइप हेडिंग अकाउंट डिटेल। अब हमें क्या करना है, टेबल के सबसे फर्स्ट रो पे जाना है और यहाँ फिर से ऊपर इस रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट करा लेनी है। तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर एक रो आ जाएगी। अगला काम, अब चूंकि हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डालने के लिए हमें इनको मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद मर्ज के लिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेल जो है मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग क्या लिखनी है, तो हेडिंग लिखनी है अकाउंट डिटेल्स। ये हेडिंग हमें यहाँ पे डालनी है तो ऊपर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट डिटेल्स। ओके, तो ये हमारी टेबल की हेडिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट हेडिंग रो एंड चेंज द फॉन्ट कलर टू ग्रीन एसेंट 6। अब वो जो हेडिंग रो है उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, और सिलेक्ट करके उसका जो फॉन्ट कलर है उसको ग्रीन एसेंट 6 करना है, ठीक है। तो देखिए कर्सर को यहीं पे रखेंगे, ठीक है, टेबल एक्सेल में सिलेक्ट करने के लिए सीधा कर्सर बस वहां पे रख देना होता है, हो गया सिलेक्ट वो, ठीक है। अब इसका फॉन्ट कलर जो है वो हमें चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेगा, ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रीन एसेंट 6 कलर हमको लेना है। तो देखिए ग्रीन कलर यही है, ठीक है, और ये है ग्रीन एसेंट 6, यही कलर हमें यहाँ लगाना है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया ग्रीन एसेंट 6। हर कलर का याद रखिए एक नाम होता है एक्सेल। एंड फिल कलर टू गोल्ड एसेंट 4। अब इसी क्वेश्चन में आगे देखिए क्या लिखा है, फिल कलर यानी फिल करना है हमें और किस कलर से, गोल्ड एसेंट 4 लाइटर 60%। तो ये कलर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, गोल्ड एसेंट 4 लाइटर 60%। तो कर्सर दोबारा यही रखेंगे और फिल कलर ये होता है, ठीक है, इसमें जाएंगे और गोल्ड कुछ इस तरह का होता है, ये है गोल्ड एसेंट 4 लाइटर 60%। तो यही कलर हमें डालना है, क्लिक कर देंगे इस पे। नेक्स्ट आते हैं, मार्क द टेक्स्ट एज बोल्ड। अच्छा, इसको बोल्ड भी करना है तो यहीं पे कर्सर रखेंगे और बोल्ड के लिए आप ये बटन दबा देंगे या फिर कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+B। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द शीट इनटू टेबल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट शॉर्टकट की एंड कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ हमें दो काम करने हैं, ये जो हमारी टेबल है इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टेबल का मतलब वही जैसे ये स्टाइल ग्रुप में आप देख रहे हैं फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है, तो इसी को टेबल बोलते हैं। अब कोई भी डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट किया कैसे जाता है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। करना क्या है आपको, इस टेबल को सिलेक्ट कीजिएगा
यहाँ तक इस तरह से टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कमांड से करना चाहें तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, ठीक है। इंसर्ट में ये है टेबल, यानी किसी भी टेबल को टेबल में कन्वर्ट करना है तो इंसर्ट में ये टेबल की कमांड होती है, या फिर शॉर्टकट की भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस टी आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन विंडो खुल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, तो हमने ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ओके करिएगा। इस ऑप्शन को देख लीजिएगा, चेक मार्क लगा होना चाहिए, माई टेबल हैज हेडर। हेडर का मतलब क्या है, जैसे कि ये टेबल है और टेबल की ये हेडर रो है, हम ये बोल रहे हैं कि ये टेबल की क्या है, हेडर रो है, तो हमारी टेबल में हेडर रो है तो इस पर चेक मार्क लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब आपकी जो टेबल आप देखेंगे कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है, यानी आपके जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब टेबल में डेटा को टेबल में जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके अपने एक फायदे होते हैं, अभी फायदे आपको दिखेंगे कि क्या क्या फायदा आपको होता है किसी भी डेटा को अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो। टाइप द बिलो मेंशन टेक्स्ट आफ्टर लास्ट रो, ओके। अब इस क्वेश्चन में, सॉरी, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें एक और काम हमें करना है, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, हमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। तो यहाँ आते हैं, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने से पहले डेटा को समझना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा कैसे। तो यहाँ देखिए, किसी ये किसी बैंक बैंक का डेटा है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, यहाँ अकाउंट टाइप है कि किसी व्यक्ति का अकाउंट FD है या रेकरिंग अकाउंट किसी ने खोला हुआ, किसी ने सेविंग अकाउंट, और ये उनके खाते का बैलेंस है और उसके ऊपर इनको क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लोजिंग बैलेंस कितना है तो जाहिर सी बात है बैलेंस और प्लस इंटरेस्ट, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो एक्सेल में जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या प्रेस करना है, इक्वल टू। अब इक्वल टू प्रेस करने के बाद जिस डेटा को आपको जोड़ना है, ठीक है, माउस को वहीं पे क्लिक करना है। जैसे हमें 12,500 प्लस 400 करना है तो उस 12,500 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे कल जो हमने बात की थी, तो जब हम क्लिक कर रहे तो यहाँ पे सेल का एड्रेस आ रहा था, लेकिन अब यहाँ सेल का एड्रेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टेबल को हमने टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस यहाँ क्लिक कीजिएगा और आपने जो सीखा है प्लस करना वैसे ही करना है, यानी इसके बाद आपको प्लस का यहाँ पे साइन प्रेस करना है, और इसमें क्या प्लस करना है, 400, तो यहाँ 400 पे क्लिक कर देंगे। तो वैसे अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ पे क्या डेटा प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है बैलेंस और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने टेबल में ये जो डेटा को आपने टेबल में कन्वर्ट कर रखा है तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलना है। तो इसका बेनिफिट अभी आपको पहला बेनिफिट दिखेगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने एंटर प्रेस किया तो सबका जितना भी डेटा है सबका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक निकल गया, तो आपको यहाँ ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सबका आंसर आपको निकाल के दे देगा। ये आपने देखा इसका पहला बेनिफिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप द बिलो मेंशन टेक्स्ट आफ्टर लास्ट रो। अब ये जो डेटा है हमें लास्ट रो के नीचे इस डेटा को लिख देना है, तो हम लोग सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया इसको कॉपी, और जो हमारी टेबल है उसमें लास्ट रो पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा फायदा आप देखेंगे, बेनिफिट नंबर टू देखेंगे, कि जो डेटा हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो जो डेटा है वो यहीं तक है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो डेटा था वो 127 तक था, यानी हमारा डेटा इतना ही है, लेकिन ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये टेबल में जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी टेबल को तो वो समझ जाता है कि ये इसी का पार्ट है। अगर ये इसी का पार्ट है तो अगर सबका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ निकला है फॉर्मूले से तो ये भी निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये टेबल में कन्वर्ट करने का आपको दूसरा फायदा यहाँ पे दिखाई दिया। नाउ सिलेक्ट द टेबल एंड इनेबल टोटल रो ऑप्शन एंड काउंट टोटल कस्टमर, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड एवरेज बैलेंस, ना अप्लाई वाइट टेबल स्टाइल 11। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको करनी है, तो जिसमें से पहली चीज जो हमें करनी है, अपने टेबल को सिलेक्ट करना है और इनेबल करना है टोटल रो ऑप्शन। अब ये टोटल रो ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है, तो कर्सर को आपको अपनी इस टेबल पे रखना है, कहीं भी रखिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, और आपको जाना है, ओके, आपको जाना है यहाँ पे, जैसे आप टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके एक्सेल पे यहाँ टेबल का टूल आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इस टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। तो टेबल का टूल्स आएगा, इसमें आप जाएंगे डिजाइन में, ठीक है। डिजाइन में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। अब इसमें आपको ढूंढना है टोटल रो,
राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोटल रो का, आपको इस पे बस चेक मार्क लगाना है। अब यहाँ पे इससे पहले कि टोटल रो पे मैं चेक मार्क लगाऊँ, आपको कुछ मैं बता भी दूँ। देखिए, जब आप टेबल में डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल की जो स्टाइल है उसको चेंज करने के यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे ये हेडर रो है, हेडर रो का मतलब ये ऊपर वाली रो को हम क्या बोलते हैं, हेडर रो। अगर आप चेक मार्क हटाते हैं तो ये हेडर रो आपकी हाइड हो जाएगी, तो दोबारा लगाएंगे हेडर रो आपकी वापस आ गई। इसी तरह से टेबल का ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। तो जैसे यहाँ चेक मार्क लगाएंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये लास्ट कॉलम यही है, ये बोल्ड हो गया। बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम का मतलब क्या है, तो बैंडेड रो का मतलब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टेबल की एक रो का कलर अलग है, दूसरी रो का कलर एकदम व्हाइट है, फिर ये सेम पहली रो जैसा है, यानी एक छोड़ के दूसरा कलर है, ठीक है। अब बैंडेड रो को अगर आप हटा दें तो ये सब डेटा क्या हो गए, सामान्य हो गए, ओके। और बैंडेड कॉलम का भी मतलब वही है, एक कॉलम का कलर अलग हो जाएगा, दूसरी कॉलम का कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं टोटल रो, टोटल रो किसको बोलते हैं, टोटल रो टेबल की सबसे लास्ट रो को बोलते हैं। जैसे नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे एक और रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं टोटल रो, ठीक है। मैं चेक मार्क लगाता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही आपने चेक मार्क लगाया तो आपने देखा यहाँ टोटल लिख के आ गया, और यहाँ पे ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका ऑटोमेटिकली टोटल निकल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रो, ओके। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, एंड काउंट टोटल कस्टमर। अब हमें टोटल कस्टमर को क्या करना है, यहाँ काउंट करना है, गिनना है कि हमारे टोटल कस्टमर कितने हैं। यानी ये वाला जो डेटा आप देख रहे हैं कस्टमर नेम वाला डेटा, इसको हमें गिनना है कि ये कितने हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कर्सर यहाँ नीचे रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट। तो आपको सिंपली यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको करना है बस वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो फिलहाल हमें काउंट करना है तो यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये एक्सेल हमें बता देगा कि यहाँ पे कस्टमरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे टोटल 13 कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसी में उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे है काउंट टोटल कस्टमर, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट का हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, और बैलेंस का हमें क्या निकालना है, एवरेज। दो चीजें करनी है, इंटरेस्ट का टोटल, तो यहाँ पे ये यह है इंटरेस्ट वाला कॉलम, ओके। इसका हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आप कर सकते हैं सम, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन, सम का ऑप्शन, तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है इसको हमारा, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो यहाँ पे आप एवरेज पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका निकल जाएगा एवरेज। तो आपने देखा कि किसी भी डेटा को टेबल में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको कई फैसिलिटीज मिलने लगती हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अप्लाई वाइड टेबल स्टाइल 11। अब अगर आपकी ये जो टेबल है इसमें आप स्टाइल भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल आपको प्री डिफाइंड का स्टाइल देता है, तो आपको सिंपल डिजाइन में जाना है, ओके। और यहाँ पे आपको दिखेगा टेबल स्टाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की आपको 3 कैटेगरी में स्टाइल दिखेंगी, ठीक है, लाइट है, मीडियम है और डार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्क है, डार्क स्टाइल है, ये मीडियम स्टाइल है, और ऊपर आप देखेंगे तो लाइट स्टाइल है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लगाना है, लाइट स्टाइल लगाना है, लाइट स्टाइल 11। तो ये ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है वाइट टेबल स्टाइल लाइट 11, और हमें यही स्टाइल अपने टेबल पे डालनी है। तो बस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो टेबल है उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी उसका कलर बेसिकली। तो वहां पे आपको कई तरह के कलर और भी दिखाई देते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ओके। इंसर्ट अनदर कॉलम आफ्टर कस्टमर नेम। अब हमें क्या करना है, कस्टमर नेम के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, एंड टाइप हेडिंग एज मंथ, और वहां पे हमें लिखना है उसकी हेडिंग जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, मंथ। तो एक मिनट, कस्टमर नेम के बाद करना, हाँ कस्टमर नेम के बाद हमें एक और कॉलम इंसर्ट करना है। तो देखिए एक्सेल में जब आप कॉलम इंसर्ट करने की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कॉलम हमेशा अपने से पहले आता है, तो हमें अगर कस्टमर नेम के बाद कॉलम चाहिए तो हमें कर्सर यहाँ रखना पड़ेगा, यानी सी पे। तो यहाँ पे रख के आपको राइट क्लिक करवाना है, ठीक है, और इंसर्ट। तो
कस्टमर नेम के बाद एक नया कॉलम आपका यहाँ पे आ गया। अब इसकी हेडिंग आपको लिखनी है मंथ, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे हम मंथ। ओके, आगे देखिए क्या करना है, टाइप मार्च इन सेकेंड रो ऑफ मंथ कॉलम एंड ड्रैग टिल लास्ट रो ऑफ द डेटा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मंथ के नीचे यहाँ लिखना है, टाइप करना है मार्च, और मार्च लिखने के बाद हमें इसको ड्रैग करना है कहाँ तक, सबसे नीचे तक, जहाँ तक हमारी टेबल है वहाँ तक हमें इसे ड्रैग कर देना है। तो आपको पता है कि एक्सेल को जनवरी फरवरी मार्च याद है, तो जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त डेटा रिपीट कर देगा। ठीक है, ओके। रीनेम द शीट एज एम्प्लॉय डेटा। अब इस शीट का नाम हमें चेंज कर देना है और क्या लिख देना है, एम्प्लॉय डेटा। तो रीनेम करने का भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, या तो आप राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो कर्सर यहाँ ब्लिंक होने लगेगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपको नाम लिखना है। तो हमें फिलहाल लिखना है एम्प्लॉय डेटा, तो ये हो गया शीट का नाम चेंज। ओके, इसी तरह से अब हमारे पास शीट टू भी है, ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, अब ये हमारी एक छोटी सी टेबल है और टेबल स्टाइल को एक बार फिर से आपको दोहरा लेना है, यानी एक चीज को अगर आप दो बार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी। तो ये एक डेटा है, अब इसमें भी हमें कुछ कुछ चीजें चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई प्री डिफाइंड ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल स्टाइल डालनी है। ओके, अब यहाँ पे ना एक चीज आप कर लीजिएगा, टेबल स्टाइल के पहले क्वेश्चन नंबर टू पहले करिएगा, इंसर्ट ए रो एट द टॉप ऑफ द डेटाबेस एंड गिव हेडिंग एज मंथली सेल डिटेल। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे रो इंसर्ट करा लेते हैं। ओके, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट, ओके, और इसको मर्ज कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो कॉलम है वो मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग हमें डालनी क्या है, तो हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है मंथली सेल डिटेल्स। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मंथली सेल्स डिटेल्स। ओके, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब क्वेश्चन नंबर वन कर लेते हैं, अप्लाई प्री डिफाइंड ब्लू स्टाइल टेबल मीडियम 6। ओके, तो ये जो स्टाइल है वो कैसे डालना है, तो आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा ऊपर हेडिंग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और टेबल स्टाइल यहीं से पड़ेगा आपका, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट एज टेबल में, और यहाँ पे आपको ढूंढना है ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6। तो आपको मीडियम में जाना है, देखिए मीडियम यहाँ पे है और इसमें हमें ढूंढना है ब्लू 6, तो 6 आई थिंक यही होगा। ठीक है, यही है ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि माई टेबल एज हेडर, तो हमारी ये जो टेबल हमने सिलेक्ट की है इस टेबल का हेडर यही है। ठीक है, ये तो मेन हेडिंग है ऊपर, ठीक है, ये हेडर नहीं है, हेडर ये है। ठीक, तो आप इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे हेडर वो अलग हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर टू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। नाउ सिलेक्ट द टेबल हेडिंग एंड अप्लाई स्टाइल टाइटल। तो ये जो टेबल की हेडिंग है, मेन हेडिंग जो है, इस पे हमें टेबल स्टाइल डालनी है। ठीक है, सॉरी, सेल स्टाइल डालना है यहाँ पे। ओके, नाउ सिलेक्ट द टेबल हेडिंग एंड अप्लाई स्टाइल टाइटल। तो देखिए टाइटल स्टाइल कैसे डालेंगे, तो देखिए हम जो अब स्टाइल डाल रहे हैं वो सेल के ऊपर डाल रहे हैं, तो टेबल अलग चीज होती है, सेल अलग होता है। ठीक है, टेबल का मतलब अगर पूरा डेटा आप डाल रहे हैं तो वो टेबल स्टाइल हो जाएगा, वो टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा कर्सर है वो सिर्फ एक सेल है। ठीक है, और सेल पे हमें स्टाइल डालना है और वो भी टाइटल स्टाइल। तो देखिए स्टाइल ग्रुप में आप जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक फॉर्मेट एज टेबल और एक सेल स्टाइल। तो फिलहाल आपको जाना है सेल स्टाइल में और यहाँ पे ढूंढ लेना है टाइटल स्टाइल। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल स्टाइल, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये टाइटल स्टाइल यहाँ पे पड़ गया। नेक्स्ट देखिए उसमें क्या है, एंड द सिलेक्ट द रेंज A2 से E2 एंड अप्लाई स्टाइल टोटल। अब देखिए A2 से E2 रेंज की बात होती है, तो A2 का मतलब ये वाला सेल, ये है A2 सेल। ठीक है, ये A कॉलम है और ये 2 रो है, और E2 का मतलब ये वाला सेल, तो हमें A2 से E2 सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और इस पे भी हमें सेल स्टाइल डालना है। कौन सा सेल स्टाइल डालना है, तो हमें सेल स्टाइल डालना है टोटल। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे जाएंगे एक बार सेल स्टाइल में और यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, टोटल।
तो यहाँ पे आपको ये मिल गया आपको टोटल, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे पड़ गया हमारा टोटल लिस्ट है। फिर हमें क्या करना है, रेस्ट ऑफ द टेबल अप्लाई इनपुट स्टाइल। तो ये जो रेस्ट ऑफ द टेबल है यानी बाकी की टेबल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे हमें कौन सा स्टाइल डालना है, इनपुट स्टाइल। तो आप जाइए फिर से यहाँ सेल स्टाइल में और यहाँ पे ढूंढ लीजिए इनपुट। तो इनपुट आपको ये मिल गया, क्लिक कर दीजिए इस पे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट तरह की स्टाइल यहाँ पे सेल स्टाइल डाल सकते हैं। तो दो चीजें आपने समझी, एक होता है टेबल स्टाइल और एक होता है सेल स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट मंथली सेल डिटेल टेबल एंड चेंज द कॉलम विड्थ एज 10 एंड रो हाइट एज 18। तो देखिए कॉलम की विड्थ हमें 10 रखनी है और हाइट हमें 18 रखनी है, ठीक है। तो आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। अब कॉलम की विड्थ, विड्थ अगर आपको चेंज करना है तो होम में सेल ग्रुप में आपको फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, और कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। यह हम यहाँ से कॉलम विड्थ चेंज करते हैं, यहाँ से रो हाइट चेंज करते हैं। तो कॉलम विड्थ पे जाइए और यहाँ पे हमें कहा गया है कितना करने के लिए, 10। तो यहाँ पे 10 क्लिक करके एंटर प्रेस कर दीजिए। और रो हाइट कितना करना है, 18। तो फॉर्मेट में जाइए रो हाइट में और इसको यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 18। तो ये आपकी रो हाइट कितनी हो जाएगी, 18 ऑटोमेटिकली। तो ये हमने सीख लिया रो हाइट और विड्थ हमें कैसे चेंज करनी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ अमित एंड ड्रैग द फॉर्मूला इन द रेस्ट ऑफ द सेल। तो हमें यहाँ अमित, अमित ये है, इसका टोटल सेल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें जाहिर सी बात है इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इक्वल टू सिंपल, आप इस सेल पे क्लिक करेंगे प्लस का साइन, ओके। फिर यहाँ क्लिक कीजिए फरवरी का डेटा प्लस मार्च का डेटा। अब चूंकि हमने ये जो टेबल है इसको टेबल, ये जो डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस करेंगे सबका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेंज द अलाइनमेंट ऑफ ऑल डेटा इज सेंटर। अब हमें क्या करना है, इन सारे जो टेबल है इन सबका डेटा जो है वो सेंटर अलाइन करना है। तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको होम में अलाइनमेंट ग्रुप में ये है सेंटर अलाइनमेंट का बटन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सारे डेटा जो है वो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट डबल लाइन बॉर्डर विद रेड कलर टू ऑल द टेबल। अब इस पूरी टेबल पे आपको रेड कलर का डबल लाइन का बॉर्डर लगाना है। तो डबल लाइन का बॉर्डर लगाने के लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर के लिए आप फॉन्ट ग्रुप में, ये बटन है बॉर्डर का, यहीं पे जाना है आपको। और पहले आपको ले लेना है लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल हमें लेना है डबल लाइन का बॉर्डर और लाइन का कलर हमें लेना है रेड। तो फिर से यहीं जाएंगे और लाइन कलर ले लेंगे रेड, ओके। और एक बार इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को, ओके। तो अभी आपने देखा चारों तरफ बॉर्डर लग गया लेकिन बीच में बॉर्डर नहीं लगा। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ बॉर्डर वाले बटन पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे आपके पूरी टेबल पे रेड कलर का बॉर्डर लग गया। नेक्स्ट है इंसर्ट इंडियन करेंसी सिंबल ऑन टोटल कॉलम। अब ये जो टोटल वाला कॉलम है इस पे हमें करेंसी का सिंबल लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ओके। और करेंसी यहाँ से सेट होती है, आपको इस बटन पे जाना है। अब चूंकि ये डॉलर का साइन है हमें रुपीज लगाना है, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ सिंबल में जाके हम रुपीज ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे रुपीज हमें दिख रहा है कि तेलुगु उर्दू ये हिंदी यहाँ पे मिल गया हमें, राइट। तो बस इस पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे करेंसी सिंबल लग जाएगा। और अगर डेटा ऐसा हो जाता है हैश का साइन आता है तो आपको इस कॉलम को बड़ा कर देना है, तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल आप दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट टेबल एंड अप्लाई टोटल रो। तो टोटल रो कैसे लगाना है, मैंने अभी पिछले उसमें बताया आपको। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ टेबल टूल्स में डिजाइन में और यहाँ टोटल रो को ऑन कर देना है। क्लिक कर देंगे तो टोटल रो यहाँ आ जाएगा और ऑटोमेटिकली इस टोटल वाले का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेबल एंड अप्लाई टोटल रो। नाउ सिलेक्ट द टेबल एंड इनेबल टोटल रो ऑप्शन एंड कैलकुलेट टोटल ऑफ ऑल मंथ्स एंड एवरेज ऑफ टोटल। तो हमें क्या निकालना है, सारे मंथ का टोटल निकालना है, ठीक है। तो सारे मंथ का टोटल निकालने के लिए कर्सर यहाँ ले जाएंगे, ओके। और ये जो छोटा सा बटन आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करना है और सम पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका निकल गया जनवरी महीने का टोटल और ये आपका निकल गया फरवरी महीने का टोटल और ये आपका निकल गया मार्च महीने का टोटल, ठीक है। और हमें टोटल का जो है वो क्या निकालना है, शायद एवरेज,
हाँ, तो ये जो टोटल वाला कॉलम है इसका हमें टोटल नहीं निकालना बल्कि इसका हमें निकालना है एवरेज। तो यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे किस पे क्लिक कर लेंगे, एवरेज पे। तो ये हमारा डेटा का एवरेज निकल गया। तो ये था हमारा बेसिकली टेबल यानी एक्सेल में स्टाइल ग्रुप का क्या काम है और स्टाइल ग्रुप से हम किस तरीके से कलर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज के टॉपिक में सीखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। और बाकी फाइल जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके।